आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं मोहम्मद तौफीक, BTS न्यूज़ एंड टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। कैमरामैन के साथ मैं संतोष कुमार, देखते रहिए BTS न्यूज और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और आइए हम आपको अगला वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। हम खड़े हैं बिहार के सुपौल जिला सुपौल प्रखंड मुख्यालय में। आज यहाँ 11वां चरण नॉमिनेशन का चौथा दिन है और यहाँ के अंतर्गत लोखा पंचायत के मुखिया प्रत्याशी कुमारी नीतू पति सुशील यादव के द्वारा नॉमिनेशन कार्यक्रम नामांकन पर्चा दाखिल किया गया। आइए हम सुशील यादव से बातचीत करते हैं। सुशील यादव जिंदाबाद। आपका शुभ नाम? थोड़ा जोर से बोलिएगा। कौन चीज से नॉमिनेशन दिए हैं? कौन पंचायत? आपका शुभ नाम? सुशील यादव। ये जो नॉमिनेशन दिए हैं, ये आपका कौन है? मेरी पत्नी है। नॉमिनेशन दिए हैं, आपका क्या मकसद है? मेरा मकसद है कि लोखा पंचायत में जी व्याप्त रूप से भ्रष्टाचार है और कमीशन खोरी हो रही है, उसको मेरी प्राथमिकता है पहले खत्म करना। तो आप जनता के बीच आप अपना चुनाव मुद्दा क्या लेकर जा रहे हैं? जनता के बीच हम अपना चुनाव मुद्दा लेकर जा रहे हैं। लोखा पंचायत में कई सारी योजना हुई है, उसमें झूठ हुआ है और जनता को जो सुविधा मिलना चाहिए वो जनता तक अभी तक नहीं पहुँचा है। व्याप्त रूप से कमीशनखोरी हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, अभी तक पंचायत में पंचायत सरकार भवन नहीं बना है। मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि लोखा पंचायत में पंचायत सरकार भवन, जिससे आमजनों को सुविधा हो। चुनाव के समय में वादे बहुत करते हैं, बल्कि जीतने के बाद निभाते हैं नहीं, इसमें आपका क्या कहना है? मैं वादा नहीं करता हूँ, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और मैं गरीब के लिए हमेशा लड़ते आया हूँ और मैं झूठा वादा नहीं करूँगा, जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। क्या चुनाव से पहले आप पंचायत भ्रमण कर रहे थे? हाँ, चुनाव से पहले ही नहीं, बहुत पहले से हम कर रहे हैं। COVID-19 में भी पंचायत के लोगों को काफ़ी मदद की है। मुखिया नहीं बने हैं बल्कि सेवा कोई नहीं, कोरोना काल में भी आप सेवा किए हैं। ठीक है, ओके। आपका शुभ नाम? मेरा नाम शिव कुमार यादव।